देखिए, हम मानते हैं कि जितने भी हमारी सीटें खाली हुई होंगी वो एक ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, राजनीतिक डिसीजन है, और ये एनडीए दल के जितने भी तमाम पार्टी वर्कर्स है, पार्टी के जितने भी लोग हैं उन सबको मिलजुल के लेना है। हम मानते हैं कि एनडीए दल की इस पे मीटिंग होगी और पार्टी और बाकी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब मिल के एक निर्णय लेंगे। अब नहीं, बट हम ये मानते हैं कि देखिए, हम अपनी पार्टी के बारे में बोल सकते हैं, हमारी पार्टी में जितने भी लोग अभी चुन के इलेक्ट होकर के आए हैं हम सबको भारी मतों से विजयी बनाया गया है, और जितनी भी जनता है वो हमें चुनी है, ये एक क्लियर मैंडेट है। और जहां तक रही बात हमारे पार्टी के जितने भी लोग अभी कैबिनेट में हैं या आगे कैबिनेट में जाएंगे, वो सबकी क्वालिफिकेशंस हैं, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं और तभी वो आज कैबिनेट में हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये चीज कहना कि नहीं, आपके उनके पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जिनको हारने के बाद भी टिकट दिया जाता है, जिनको जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है उनको टिकट दिया जाता है, और कह सकते हैं आप कि इतने सारे उनपे आरोप हैं उसके बावजूद उनको बार बार टिकट दिया जाता है। हम उस वंशवाद की बात करते हैं। तो ये एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था कि जो एनडीए दल के नेता हैं या एनडीए जीतेगी तो संविधान को बदला जाएगा, जबकि ऐसा कहीं भी कभी भी कभी नहीं है, ऐसा कहीं भी बोला गया था। एक फॉल्स नैरेटिव एक सेट करने का प्रयास किया गया था, पर हम मानते हैं कि ये जीत भी बहुत ऐतिहासिक है। हम पहली बार इतना क्लियर मैंडेट से तीसरी बार किसी की सरकार बनने जा रही है, और एनडीए के जितने भी नेता हैं, एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से उत्साहित हैं, और हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी पार्टी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जिम्मेदारी दी है, जो हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, उस जो वो कार्य है वो कर्तव्य, उसका हम लोग श्रद्धापूर्वक निर्वहन करें और हम उसके लिए काम। देखिए, हम मानते हैं कि जितने भी हमारी सीटें खाली हुई होंगी वो एक ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, राजनीतिक डिसीजन है, और ये एनडीए दल के जितने भी तमाम पार्टी वर्कर्स है, पार्टी के जितने भी लोग हैं उन सबको मिलजुल के लेना है। हम मानते हैं कि एनडीए दल की इस पे मीटिंग होगी और पार्टी और बाकी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब मिल के एक निर्णय लेंगे। अब नहीं, बट हम ये मानते हैं कि देखिए, हम अपनी पार्टी के बारे में बोल सकते हैं, हमारी पार्टी में जितने भी लोग अभी चुन के इलेक्ट होकर के आए हैं हम सबको भारी मतों से विजयी बनाया गया है, और जितनी भी जनता है वो हमें चुनी है, ये एक क्लियर मैंडेट है। और जहां तक रही बात हमारे पार्टी के जितने भी लोग अभी कैबिनेट में हैं या आगे कैबिनेट में जाएंगे, वो सबकी क्वालिफिकेशंस हैं, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं और तभी वो आज कैबिनेट में हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये चीज कहना कि नहीं, आपके उनके पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जिनको हारने के बाद भी टिकट दिया जाता है, जिनको जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है उनको टिकट दिया जाता है, और कह सकते हैं आप कि इतने सारे उनपे आरोप हैं उसके बावजूद उनको बार बार टिकट दिया जाता है। हम उस वंशवाद की बात करते हैं। तो ये एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था कि जो एनडीए दल के नेता हैं या एनडीए जीतेगी तो संविधान को बदला जाएगा, जबकि ऐसा कहीं भी कभी नहीं है, ऐसा कहीं भी बोला गया था। एक फॉल्स नैरेटिव एक सेट करने का प्रयास किया गया था, पर हम मानते हैं कि ये जीत भी बहुत ऐतिहासिक है। हम पहली बार इतना क्लियर मैंडेट से तीसरी बार किसी की सरकार बनने जा रही है, और एनडीए के जितने भी नेता हैं, एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से उत्साहित हैं, और हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी पार्टी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जिम्मेदारी दी है, जो हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, उस जो वो कार्य है वो कर्तव्य, उसका हम लोग श्रद्धापूर्वक निर्वहन करें और हम उसके लिए काम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।